शुरू करिए अल्लाह सोने दे पाक ना तो जड़ा मालिक है हयाती दा जड़ा वारस है इज्जत दा ते जड़ा खालिक है सारी कायनात दा अंदरों बाहर दा जानू है ते अकलों पार दा भी जानू है डाढ़ा ही रहम करन वाला मेरा तुहाडा सारिया दा सोना ते सच्चा रब है और तेरिया सिफतां एक समंदर की करांगा मैं तहरीर जिथों तेरी शान शुरू है उत्थों मेरी अकल अखीर। सजनों ते मित्रों जिमें कि तुहानू पता है कि अज का यह प्रोग्राम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर वालों मियाँ मुहम्मद बख्श साहब के कलाम का ये मुकाबला जिदे तुसी सारे लोग मौजूद हो तुहानू सारयां नू पिलाक वालों जी आयां नू मैं तुहाडा होस्ट तुहाडा अपना मुमताज़ मलिक तुहाडी खिदमत विच हाज़र हाँ। और मुकाबला करवाण दा मकसद एक ते हुंदा है कि ज़ाहिर है साडी नौजवान नसल और साडे जिहड़े दीगर कलाम पढ़न वाले कलाम नाल मुहब्बत करन वाले लोग ने उन्हां दे विच मुहब्बत होर ज़्यादा वधे ते मुकाबले दा इक भी मकसद हुंदा वे कि सीखन वाला जिहड़ा प्रोसैस है वह ज़्यादा बेहतर हो जाता वे अच्छा हो जाता वे साडा लगन ते साडी हुंदी है कलाम दे नाल या किसी भी चीज़ के नाल कि असीं पढ़ना चाहते हाँ असीं उन्हूं सुनना चाहते हाँ लेकिन ये कि जो असी किसी मुकाबले के जाना वे तो फिर असी उसकी तैयारी करते हैं और तैयारी करने का मकसद ये वे कि असी जिहड़ियां साड़ियां गलतियां ने साड़ियां खामियां ने असी उन्हें असी मतलब कोशिश की सी दूर करिए और कलाम नूं असी बहुत बेहतर और बड़ा अच्छा करिए। अज दे इस प्रोग्राम का आगाज़ बिल्कुल करते हैं और सोने रब दे नां तों करते हैं तिलावत कलामे पाक तो और फिर असी साडे जजिज आ रहे ने मेहमान आने ग्रामी साडे आ रहे ने ते असी बाकायदा मतलब फिर असी जिहड़ा कलाम है उहदी नशीस्त जिहड़ी उह शुरू हो जाएगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ولم يكن له كفوا أحد قل هو صدق الله العظيم الحمد لله اسونه رب دا کرم اور فضل ہے ساڈے سب تے کہ اونے سانو बोलन की सलाहियत अदा की और उस तो बाद सोने रब नू सोने रब ने सानू सुन की भी सलाहियत अदा की है उदिया तमाम तर नियमत रहमत का शुक्र अदा करते हुए हाँ असी अज के प्रोग्राम में बिल्कुल अगे लैके चलने हाँ। और अज के साडे जिहड़ा प्रोग्राम है मैं समझना कि इत्थे आने वाला हर बंदा खुश नसीब है क्योंकि ये कलाम की महफिल बाबा जी दे हर कलाम लिखिया सोना अच्छा लिखिया और तुसी सारे बड़े खुशकिस्मत हो कि साडे दरम्यान माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे लोग बड़िया मौजूद हस्तियां रूहानी लोग भी मौजूद ने जिन्हां नूं वेख के सुन के मिल के तुहानूं सब नूं बहुत अच्छा लगेगा चंगा लगेगा।
मैं दसते जावा कि अज के जो सा प्रोग्राम है ये बेसिकली तुम पता ही है कि मियाँ साहब का लिखा हुआ कलाम ये पढ़िया जाएगा और यदा टाइम सर 3 मिनट है, 3 मिनट यदा टाइम है जी, हाँ 3 to 4 मिनट यदा टाइम है और उस तो बाद के जजिस का बिल्कुल बजर उन्होंने कोल मौजूद है कि वो जिते चाहे रुकवा भी दिता जाएगा और मैं अज के साडे इस प्रोग्राम के जेडे जजिस ने मैं उन्होंने तारुफ करवाना वा कि साडे बहुत ही प्यारे बड़े मानजोग बहुत अच्छा लिखने वाले बहुत सोहनी सोच वाले बहुत बहुत ही प्यारी शख्सियत मैं समझना कि उन्होंने होना साढ़े वास्ते बड़ा काबिले फखर एक काबिले एजाज़ है जनाब हुसैन मजरू साहब हल्का अरबाबे जौक के 2 दफ़ा जनरल सैकटरी के अदब लतीफ के चीफ एडिटर ने और बहुत अच्छी एक तंजीम जिदी कि मैं समझना इस दौर बड़ी अच्छी जरूरत सी किताब बीनी थी और दानश्वर और स्कॉलर लोगों के उत्ते कम कर रहे हैं साहिबान उदे बानी ने तो मैं जनाब का बड़ा मशहूर हाँ कि तुम साढ़े नाल इतने मौजूद हो। इस तो बाद जनाब बड़े प्यारे दोस्त बड़ी मुहब्बत करने वाले और बड़े दर्द दिल रखने वाले और मैं समझना कि अल्लाह ताला ने इन्हों का मतलब ये वे कि फन लिखते भी अच्छा ने और उस तो बाद शख्सियत अच्छी है शोभा इन्हों का पंजाबी है और ओरिएंटल कॉलेज तो मतलब प्रोफेसर ने डॉक्टर सादत अली साकिब साहब और मौसीकी दे नाल भी बड़ा लगाव है मौसीकार वजीर अफजल के उपर इन्हों की हाल ही हूँ किताब तकरीबन कंपाइल हो चुकी है थोड़ी देर तक वो भी आ जाएगी। इस तो इलावा होर बड़े सोहने और बड़े अच्छे अच्छे काम ने साढ़े तीसरे जज जड़े ने बड़ी प्यारी शख्सियत आवाज़ बड़ी अच्छी है अंदाज बड़ा अच्छा वे प्रोफेसर जवाद साहब ने और वैसे तो इन्ह का डिपार्टमेंट फलसफा भी पंजाब यूनिवर्सिटी तो लेकिन ये वे कि मौसीकी दे नाल इन्हों का बड़ा गहरा लगाव है तो बहरहाल ये कि सारे गुणी लोग इतने मौजूद ने। इस तो इलावा डायरेक्टर जनरल पिलाक डॉक्टर सुगरा सदर साहबा आप की जेरे निगरानी यह सारा प्रोग्राम हो रहा है और सारिया काविशों का सेहरा जरा भी वो सिर जाता है तुम सलामत रहो और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चलते रहन। मैं जी बिला ताखीर असी अपने प्रोग्राम शुरू करते हाँ और ये प्रोग्राम जिदे विच पाकिस्तान की बल्कि दूसरे ममालिक तो भी लोग जड़े ने उन्होंने शिरकत की और इस हवाले नाल एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है ये छोटे वड्डे सारे लोग मौजूद ने ते मैं सब तो पहला बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करना जनाब मुहम्मद सादिक साहब तुसी आओ और अपना कलाम जड़ा है वह सुनाओ। मुहम्मद सादिक साहब نحمد نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رات پیتے بے دردان رات پیتے بے دردان نیند پیاری آوے درد مندان याद सजनी सुते आयान जगावे ओ डिठे बाज प्रीत लगाई डिठे बाज प्रीत लगाई हो गया जो होना हसन के डन याद न मैनू ये आयु मरदारू यार मोहब्बत वाले टूट गए यार मोहब्बत वाले टूट गए नाल ले गए हासे ओ दिल नी लगदा यार मोहम्मद जाइए केड़े पासे इको तेरी ओट खुदाया और नहीं कुछ सुझता ओ जिस दीवे नू आप तू बाले नहीं किसे तो बुझदा सिपाही अंदर मोती करदा सिपाही अंदर मोती करदा रख के कतरा पानी ओ शिकमा विचों बाहर आवे सूरत बीबी रानी बाल चराग इश्क दा मेरा
बाल चराग इश्क दा मेरा रोशन कर दे सीना दिल दे दीवे दी रुशनाई जावे विच जमीना सुल्ताना नू तख्तों सूटे पावे सिर गर्दानी बरदिया दे सिर ताजर खावे ते तख्त देवे सुल्तानी बादशाह तो भीख मंगावे बादशाह तो भीख मंगावे ओ तख्त बावे काई कुछ परवाह नहीं कर तेरे दायम बेपरवाही। मैं साढ़े जिहड़े अगले पार्टिसिपेंट ने मुहम्मद यूनस साहब मैं गुजारिश करना कि तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो। अच्छा जी इस तो बाद साढ़े कोल एक बहुत छोटी बच्ची है नसीमुर रहमान जिवें कि मैं पहला अगर दस्सिया सां कि हर उम्र दे इत्थे लोग मौजूद ने और एक छोटी जी 7 साल बच्ची और मैं समझदा वां कि बड़ी खुशबख्ती है कि इन्ने छोटे बच्चे जिहड़े ने ओह उन्हां दा आना पढ़ना बड़ी गल है मुकाबला तो फिर होर उस तो बाद दी गल है जी बिस्मिल्लाह जी। लोए लोए पर लै कुड़िए हो ए तू त पांडा परना शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जांदी ने डरना सदा ना बागी बुलबुल बोले सदा ना बाग बारा सदा ना मापे हुसैन जवानी सदा ना सोबत यारा मालिका कम पानी पाना पर परमश का पावे मालिक था कम फल फूल लाना लावे आम ना लावे दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए हो सजना भी मर जाना दीगर दे दिन हो या मुहम्मद औरक नू डुब जाना बाग बारा ते गुलजारा बिन यारा किसकारी यार मिलन टुक जान हजारा शुक्र करा लखवारी। माशाल्लाह नसीमुर रहमान अल्लाह पाक इस प्यारी बेटी के नसीब अच्छे करे और मैं समझना कि मुबारकबाद के मुस्तहक असी सारे ही हैं और खासकर इदा सेहरा फिलाक और डॉक्टर सुधरा सदर साहबा बिल्कुल तुहानू जांदा है कि इन्ने छोटे बच्चों के भी मतलब इन्नी और मुहब्बत है कि कलाम नू इस तरह पढ़ना आके बहरहाल सलामत रहो तुसी सब लोग और बाकी इस तो बाद जी मैं गुजारिश करना अब्दुल हमीद मुगल साहब के तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो। अब्दुल हमीद मुगल साहब तेरी ओट पना खुदाया उते होर नहीं ओ कुछ सुजदा जिस दीवे नू आप जगावे ते कद किसे ती बुझदा ते चंगियां दा हर कोई बनदा ओ तू मंदियां दा वाली ओ एक वसीला तेरे नां दा ओ मेरी अमलों चोली खाली ओ
ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਇਤਨਾ ਲਾਵੇ ਉਹ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ ਡਾਲੀ ਉਹ ਇਕਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਬੂਰ ਸੁਕਾਵੇ ਤੇ ਗਏ ਜਾਨੋ ਖਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਰਸਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਵੇ ਸੰਭਾਲਾ ਉਹ ਤੱਕੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੋਏ ਲੋਏ ਪਰ ਲਈ ਕੁੜੀ ਉਹ ਜੇ ਤੁਦ ਪਾਂਡਾ ਪਰ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਡਰ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਵੜਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਮਿਸ ਲਾਰੈਬ ਅਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਵਲ ਹਮਦ ਸਨਾਏ ਲਾਹੀ ਤੇ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਹਰ ਲਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਹਰ ਦਾ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਲਾਏ ਲੈ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਤੇ ਸੌਦਾ ਇਸ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪਏ ਤੇ ਲੱਭ ਨਾ ਨਾ ਆਰੋ ਨਾ ਪਾਰੋ ਤਤਨ ਵੇਲੇ
तू कतिया नाही है सो के उम्र गुजारी आज मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली तू बेली ते सब जग बेली ते अबेली भी बेली सजना बाज मुहम्मद बख्शा जो तो निकली जान अकेली तेरे ना बस मेरे फिर मेल करांदा जाए सुपने दे विच मिलो माही मिले या ते मैं पालिया गल भावा दर्दी मारी होया खना खोला किते फेर भी छड़ना जावा मैं बड़ी मोहब्बत नाल गुजारिश करना जनाब मोहम्मद सईद साहब छोटी जी रिक्वेस्ट करी मियाँ साहब जोर ने सिर्फ लुक दे विच 9294 शेर लिखे तो मियाँ साहब फरमाते हैं मुल्कां थी मंगवा किताबां बात तमामी रोई चवां किताबां दे तक शादी एक हिंदी कर जोड़ी ये मियाँ साहब ने बड़ा तगड़ा बह के मजमून तो किताबां चार दा मजमून दे विच गल कीती है तो कोशिश करो जो भी पढ़ो मियाँ साहब का कलाम पढ़ो आप फरमाते शेर मेरे इस मुल्क अपने विच मूल न पांदे कीमत दूर दराडे जिसनू लबण जाने बोत गनीमत केसर सस्ता ज़ोफ़रान केसर सस्ता ऐ कश्मीरे पुछो मुल लहरू पिस्ता ते बादाम मोहम सस्ते मिले पिशार एक एक सुखन मेरे दी कीमत पावो नाल इंसाफे द्यो दवाई जे मैं खो
ਛੋਟਾ ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸਰਾ ਆਵੇ ਸਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨਿਆਰਾ ਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੇ ਬੇੜੀ ਚੜ ਨਬੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਲਗਾਵੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਲਮਗਾਠੋਂ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਲਮਗਾਠੋਂ ਪਰਬਤ ਪਾਸੇ ਮੀਰਪੁਰੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਖੜੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜਨ ਜਿਹੜੇ ਤਲਬ ਬੰਦੇ ਤੀਰ ਖਣ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਆਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ آئی وانٹ ٹو فسٹ تھینک دا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر فار گیونگ می دس اپرچونیٹی ٹو بی ہیئر ٹوڈے اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک شہزادہ سیف الملوک فار انکریجنگ می ٹو پارٹیسپیٹ ان دس اسپیشل گیدرنگ آئی وانٹ ٹو تھینک دا گورنمنٹ آف پنجاب آلسو آئی وانٹ ٹو لیٹ یو آل آف یو نو دیٹ الحمد للہ ان کینیڈا وی آر trying and we're doing our best to promote the teachings of Hazrat Mia Muhammad Bakhsh and the Sufi wisdom in Canada because the whole world can benefit from the great wisdom that is in this poetry nek de sang ne ki kariye nasla nahi bulande ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਉਲਟਾ ਜ਼ੋਫ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਦੀਗਰ ਤੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਔੜਕ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਰ ਬਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲਾਣਾ ਲਾਵੇ ਆ ਨਾ ਲਾਵੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਦ ਨਸੀਹਤ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਲਾ ਦੁੱਧ ਅੰਦਰ ਕਾਗ ਨਵਾਈਏ ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁੜਨ ਨ ਖਾਲੀ ਖੁਦ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਵੇ ਵੇਖਾਂ ਸੈਫ ਮਲੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੋੜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀਏ ਕੋਲੇ ਕਾਲੀਏ ਕੋਲੇ ਬੋਲ ਸਵੇਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਬੋਲੀ
किसे सिर दोस मुहम्मद ओ लिखिया पै गया चोले ओ खुमरे कोयल कुकू कर दे कूक सुनांदे किथे सुख मोहम्मद बादशाह ए परे जहान दुखां दे निहजर तेरा जे पानी मंगे नी मैं खो नैना दे गे ना जी कर दे तेनू कोल बैठा के अज दर्द पुराने छेड़ा ओ टुरके ने दिल पैर दिले दे दिले दे वतनो चुक मुहारा उजड़ी वस्ती ओ नजरिया वे ओ कंड जीती जद यारा मिस्टर दिलबर हुसैन तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो सब सैया सब सैया रल पानी नू आया अते कोई कोई मुड़ सी पर के जिन्ना ने भर के सिरे उत्ते धरया ते ओ पैर तरन जर जर के जिन्ना ने भरी के सिर उत्ते धरया ते ओ पैर धरन जर जर के माड़ियां दे नल निभ जांदी अते जे करिया पुने भाये ते तगड़ियां दे नल ताइयों निभदी अते जे कर कसरां खाये अते जे कर कसरां खाये ओ दानिशमंद नू दा
दुश्मन नू ते सप नहीं लड़दा ते एक खुडों दोवारी अते बार बार तो खा खांदे अते मत जिना दी मारी माशाल्लाह माशाल्लाह बार बार धोखा खांदे अते मत जिना दी मार। इस बात मोहम्मद बिलाल साहब गुजारिश है कि तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो। जनाब मोहम्मद बिलाल साहब हो जानो यान रोग न जाने मन दे ओ सयाना जानो यान रोग न जाने मन दे दिल नू मोम करे दा जा कोई किस्सा गावे जिस दिल दरियो वे पाई ओ जिस दिल किस्सा पड़ पांबड़ बनदा ते नाल रबे दियारी ए किस्सा पड़ पांबड़ बनदा ते नाल रबे दी यारी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के बोल सुनांदा पांदा जां सिर हथ सच्चे दा मोहम्मद बिलाल साहब माशाल्लाह आपने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से अपनी हाजिरी पेश कर रहे थी बड़ा अच्छा लगे जी। इस तो बाद शबाना अब्बास साहिबा मैं गुजारिश करना कि तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो। शबाना अब्बास साहिबा अव्वल हम्द सना इलाही
हर हर दा उस नाम चितारन वाला किस मैदान नहर दा नाम चितारन वाला किस मैदान नहर दा मुहम्मद कर जांदी ने डरना शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जांदी ने नीचा दी करते अंगूर चराया हर गुच्छा सखमाया। तो मोहम्मद बिलाल तो बाद शुभाना अब्बास ने पढ़िया, पता लग गया कि ये मुकाबला वाकई और अच्छा लग गया। इब्रार शाहिद तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो, स्टूडेंट बच्चे ते जाहिर है फिर बेटे इधर आ जाओ। अच्छा कैमरे दे अगो गुजरन तो जरा परहेज करया जे। रे रे ना ते जो मालिक है हर दा उस दा नाम चितारन वाला ते किसे मैदान उस दा नाम चितारन वाला
ते किसे मैदान न है दा मीम मुहम्मद पाक नबी दा ते ऐसा शान बधाया एक लख चवी हजार देवी चो अते आला रुतबा पाया हर कोई आखे हर कोई आखे बेली बेली ते मैं भी आखा बेली है उस बेले दा कोई नजबेली जद जासी जान अकेली इब्रार शाहिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जी बहुत खूबसूरत सलामत रहो तुसी और ऐसे तरह सोना अच्छा पढ़ते रहो। मैं इस तो बाद गुजारिश करांगा साढ़े नेक्स्ट जिहड़े दोस्त ने गुलाम अब्बास साहब तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो जी खामोश प्लीज खामोश सज्जन मलूका दाग ना लावी है क्या। अच्छा जी बहुत खूबसूरत जी। इस तो बाद
Mr. Abrar Hussain. Abrar Hussain, heavy, mashallah, sada young talent. खुशी हो रही है जनाब के माशाल्लाह इन्हें छोटे छोटे बच्चे और इन्ना खूबसूरत पढ़ रहे ने बहुत अच्छा लग रहा है। ओ वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारन वाला ते हर मैदान नहर दा काम तमाम मयसर होंद नाम उदा चित तरिया रहमो सुके सावे करदा कहरों साड़े हरिया ते कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी ओ रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी बाल चराग इशक दा मेरा ते रोशन कर दे सीना दिल दे दीवे दी रुशनाई जावे विच जमीना तेनी चांदी अशनाई कोलों फैज किसे नहीं पाया कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जखमाया गुलाम मुर्तजा नकीबी साहब और सब अदाब सिखाते ने कलाम पढ़न का आप फरमाते ने करे सवाल फकीर मोहम्मद करे सवाल करे सवाल फकीर मोहम्मद पढ़ने वाले ताई रौनक खड़ी ना शेर मेरे दे नाले अदा सारे पढ़ने वालों की नजर बाजे अदा आवाज़
वसीले बाज अदा सुखने ओ सुखने ओ जज साहिबान दी नजर शेर आ फरमांदे ने सुखने ओ जो दर्दों पर आ सुखने ओ जो सुखने फर्क रोदा क्या काने क्या काने नड़ा कमादा विच फर्क रोदा क्या काने मिस्टर जाहिर हुसैन तुसी आओ जी अपनी अर्जी पेश करो नूर मोहम्मद रोशनिया ते आदम जदूना ओ कुर्बान जा यार फे खड़ी फरमांदे ने लखां बे सरकार फरमांदे ने निकिया हुंदे ओ मरन ना मापे ते छड़ ना जावन मावा ओ मत रहिया कदू मावा हुंदी मैं रो रो हाल सुनावां
ते कुर्बान जावा यार फे खड़ी फरमांदे ने ले सजना ले सजना ले सजना ओए सा तोड़ निभाई ते जान दिती रा तेरे ओ अशर दियाड़े ओ शर्मा रख लई ते काज लई परदे मेरे ज़ाहिर हुसैन साहब माशाल्लाह अपने अपने खूबसूरत अंदाज च पढ़ रहे सी। इस तो बाद जी अली रजा साहब गुजारिश है कि तुसी आओ। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चुतारन वाला किसे मैदान ना हरदा ते जे वेखां मैं अमलावल ओ कुछ नहीं मेरे पले मौला जे वेखां तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले 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 एक गुना मेरा मापे वेखे ते देवे देस निकाला ओ लख गुना मेरा अल्लाह वेखे जेड़ा परदे पावन वाला अदल करे ते थर थर कंबन उचिया शान वाले मौला फजल करे ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुका ले माशाल्लाह जी अली रजा अपनी हाजिरी पेश कर रहे सी। मैं इस तो बाद बिला तखीर मोहम्मद शहजाद साहब गुजारिश करना कि तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो जनाब मोहम्मद शहजाद साहब। हर सदावे ते जेड़ा रोड़ देवे दूध कड़िया हो हिजर तेरा जे
जी करदा तेनू सामने बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा ओ जी करदा तेनू सामने बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा हो ए दुनिया एक मुसाफिर खाना जावे ओ किदी मजाल मुहम्मद बख्शा इत्थे पक्के डेरे लावे मंजूर हुसैन मलंग साहब मैं गुजारिश करना कि तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो हो रहमत दा मी पा खुदाया बाग सुका कर हरिया बूटाया सी उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे परेया मिठा मेवा बख्शी दिया कुदरत थी कत शीरी जेड़ा खावे रोग उसदा जावे होवे दलगीरी ए सुल्तान हुसन दी नगरी राज सलामत तेरा मैं परदेसी हां फरियादी अदल करी कुछ मेरा तुझ बिन जान लबा परी आई चलिया दर्द बतेरा दे दीदार अज वक्त मुहम्मद ओ जगते को फेरा हुसन जमाल तेरा किस कारी या आशिक सिखदा मरसी जा दीदे नाबीने हो गए फिर सुरमा की करसी मान करीना रूप घनेदा वारिस कौन हुसंदा सदाना शाखां हरियां रहसन सदाना फुल चमंदा माशाल्लाह जी माशाल्लाह मलंग साहब बहुत जनाब मंजूर मलंग साहब अपनी हाजिरी पेश कर रहे सी इस बाद जनाब हिदायत अली साहब हिदायत अली साहब गुजारिश है कि तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो सारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू जी सर टाइम शुरू सर हाय
दरिया इलाहे ते हर गम बगेगा तेरा एक कतरा बसे मैनो ते कम बन जा दई मेरा जे एक कतरा बसे मैनो ते कम बन जाता है मेरा बड़े बड़े मैं टेंदे देखे ते जोरा बने सितराने नौकर वेखे ते दानिश मंदे सियाने ते सदा बहार देस बागे ते कदी खिजाना आवे होवन फैज हजारा ताएं ते हर भुखा फल खावे मोहम्मद उस्मान साबिर साहब साढ़े दोस्त ने मैं गुजारिश करांगा कि तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो मोहम्मद उस्मान साबिर साहब सुबह सवेरे कालिए कोयले तेरे नावस मेरे जो लिखे आपे ना चोली नावस तेरे नावस मेरे जो लिखे आपे ना जोली चिट्टी चादर अमला वाली ते दाग ना लाई जनेया हशर दिहाड़े फेर ना आखी आयो रब्बा की बनया हशर दिहाड़े फेर ना आखी आयो रब्बा की बनया हुमायूं रजा साहब गुजारिश करना के तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो जनाब हुमायूं रजा साहब आ
बादशाह बादशाह थे तख्त बहावे काही कुछ परवाने घर उस दे दाइम बे खाका औगण हार कहा थे सचियां साफ़ पाका मोहम्मद अबू सफियान आओ जी बिस्मिल्लाह अपनी हाजिरी पेश करो अव्वल हम्द सना इलाही
सना इलाही जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चतारन वाला ओ हर मैदान हरदा माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सलामत रहो तुसी और इस तो बाद मिस्टर अब्दुल जब्बार साहब सी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो जब्बार साहब माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज और बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मुख्तलिफ शहरों तो मुख्तलिफ अंदाज दे विच और बड़ा सोहना पढ़ने वाले सारे दोस्त मौजूद ने मैं बड़ी मोहब्बत नाल गुजारिश करना जनाब गुलाम साबिर साहब तुसी आओ और अपने तुसी हाजिरी पेश करो जनाब गुलाम साबिर साहब हबीब रबाना ओ महबूब हबीब रबाना ते हामी रोज हशर दा
आप यतीम यती माताई हथ सिरे पर तरदा जिन्ना दुखा विच दिल भर राजी जिन्ना दुखा विच दिल भर राजी ते सुख भी उना तो वारे दुख कबूल मुहम्मद बख्शा ते राजी रहन प्यारे ते ले ओ यार हवाले रब दे ते लगियां पैन जुदाइयां बस नहीं कुछ तेरा मेरा रिज़क मुहारा चाया गुलाम साबिर विरक साहब इस तो बाद जनाब अहमद हसन हुसैनी साहब गुजारिश है कि तुम आओ और अपना कलाम पेश करो अपनी हाजिरी पेश करो बाग बहारा ते गुलजारा बिन यारा किस कारी यार मिले दुख जान हजारा शुक्र करा लखवारी यार मिले दुख जान हजारा शुक्र करा लखवारी ते दिल भर मुख विखादा नहीं दाग मेरा किस तोड़ा साजन दा दरी छोड़ मोहम्मद के दर जा खलोना साजन दा दरी छोड़ मोहम्मद के दर जा खलोना ते सूरज दी अशीनाया कोलू कुछ लदना नीलो फरनू उड़ी उड़ी मोए चकोरे मोहम्मद सार नार कमर उड़ी उड़ी मोए चकोरे मोहम्मद सार नार कमर हर फुल दी अपनी खुशबू है माशाल्लाह जी हर एक दा बड़ा सोहना और बड़ा अच्छा अंदाज है ते मैं इस तो बाद गुजारिश करना जनाब मोहम्मद शहबाज शाकिर साहब तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो मरमर एक बनावन शीशा ते मार वट्टा एक भन दे दुनिया उत्ते थोड़े रहंदे कदर शना सोखन दे आप बेनती बड़ी इल्तमास कर देना पढ़ने वाले वास्ते लिखारियों वास्ते शनविंद गांडे सुनने वाले वास्ते कि साढ़े शेरां दा नाल जुल्म ना करो जिवें मेनु बेटे प्यारे ने कोई इधरों कन्न मरोड़दा कोई इधरों फड़ लैंदा है कोई पता नहीं लेकिन यह भी बड़े बड़े सर तुसी प्लीज अपनी हाजिरी मैं कोई मसला नहीं
टाइम शुरू है प्लीज। हर एक थे शर्मा ते तक तक बना कर दे चंगे लोक कदाए ओ नुक्ता चीने फितना दोजे ओ पलयादा कम ना है ते ऐना गलां थी है ऐना गलां थी ओए है कि लब दा गला दी ओ है कि लब दा ओ ऐब किसे दा करना अपना आप समा मोहम्मद ते जो करना सौ करना। माशाल्लाह 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 क्या खूबसूरत अंदाज जी माशाल्लाह तोड़ा मोहम्मद शहबाज शाकिर साहब। इस तो बाद जनाब फैज रसूल साहब मैं गुजारिश करना के तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो जनाब फैज रसूल साहब। टुर गए यार मोहब्बतां वाले ते ले गए नाली हासे उजड़ी बस्ती नजरिया वे कंड की थी जद यारा ओ मावा नाल बहारा सजना हतम बे मावा किस कारी मावा बाज मुहम्मद बख्शा कौन करे गम खारी ते ले ओ यार
उस दिन ईद मुबारक हो ते जिस दिन फेर मिलांगे। तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो जनाब असगर अली शाह साहब। सलाम ना
درود صلات سلام چھٹیاں چلن کتارا صلی اللہ علیہ وسلم کرن نقیب پکارا صلی اللہ علیہ وسلم کرن نقیب پکارا ایسا نبی جنا دا والی ایسا نبی اچھا جی غلام شبیر قدیمی صاحب تسی آؤ اور اپنی حاضری پیش کرو وارث شاہ وارث شاہ سخن دے وارث نندے کون انہاں سخن انہاں تے انگل تر سکے تے باز کبوتر تائیں پانی پیندے شیر ببر تے گائیں پتن تے رل پانی پیندے شیر ببر تے گائیں ساڈے اگلے دوست جناب مزمل منیر صاحب میں گزارش کرنا کہ تسی آؤ اور اپنی حاضری پیش کرو
ते जो मालिक हर हर जा उस दा नाम चतारन वाला हर मदान ने हैदार दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सजना में मर जाना ओ डीगर ते दिन होए मोहम्मद ओढ़क नो डूब जाला डीगर ते दिन होए मोहम्मद ते ओढ़क नो डूब जाना हुसन जवानी ते सदाना सोबत यारा ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले चार दिना मुजम्मल मुनीर साहब अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। इस तो बाद हाफिज अनीसुर रहमान साहब मैं गुजारिश करना कि तुसी आओ और अपनी हाजिरी पेश करो। कौन करे रखवाली
ਪਾਈ ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਭਾਈ ਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਖੀਏ ਜਾਣੇ ਸੁਖੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਨੇ ਮਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਬਰਾਂ ਲੱਖ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਔੜਕ ਰੈਨ ਪਰਾਏ ਠੋੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰੀਏ ਅੰਬ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਚੋਲਾ ਪਾਟਾ ਲੀਰਾ ਲੀਰੀ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਏ ਦਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਗਰਮਸ਼ੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਕਰਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਰੋਕ ਕਲਮ ਦਾ ਕੋੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਵਰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਰੋਹੇਲ ਵਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ
ਬਾਈ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਮੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਰੌਣਕ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਆਦਰਯੋਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।